कल्चरल डे के हवाले से ब्यूरो चीफ आरबटी हमें मंडी बाग दिन से तफसीलात देंगे। जी आरबटी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिला मंडी बहावलदीन के मेन बाजार बान बाजार में, और नाज़रीन आपको बताना चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कल्चर डे मनाने का। देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आगे ही जो गरीब बंदा है वो जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है, लेकिन अगर इन चीजों को देखा जाए तो हकीकत बात में कि गरीब बंदा जो है इस ये चीज अफोर्ड करने को तैयार ही नहीं। उसमें क्या क्या चीजें हैं कि जो टीचर जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ये कह देते हैं कि आप लोगों ने जो सिंधी बलोची और जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एड्रेस है वो आप लोगों ने पहन के आना है। हम लोग पंजाब में रहते हैं, पंजाब के अंदर शलवार और कमीज जो है वो ही अच्छी लगती है। आप इसके ऊपर मुत्तफिक हैं? आपकी ये दुकानदारी आपको तो बिल्कुल सारा होगा अगर ये बात आप कह रहे हैं। जी जी, बात होती है, राइट। इसके बारे में ये कहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सारे लोग जो उनके बहुत अच्छा निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए वो लेनी लेनी है, लेनी लेनी है, लेकिन सर उसके लिए इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये आपकी जेब गुंजाइश दे रही है, आपके सब पब्लिक डीलिंग जो कर रही है सब अफोर्ड कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं लोग इस पाकिस्तान। किस तरह फोल्ड करेगा? मैं आठ रुपए का जेट लेता हूँ, फिर सही कैसे फोल्ड करा मैं जैकेट में बताओ। नहीं कर, तो बच्चे को सरकार भी रोके स्कूल नहीं जाना था, आठ सौ रुपये कैसे होगा? यानी कि आपके बच्चों को उन्होंने कहा होगा कि आपने किसी था किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेना है? लेना है, उन्होंने कहा सिंधी स्कूल नहीं जाना। मैं कहा मैं फोल्ड नहीं कर सकता, नहीं बेटा सिंधी स्कूल जाना। स्कूल के हवाले जो कल्चर डे हो रहे हैं, बच्चों के हो रहे हैं, आपके पास कितने लोग आ चुके हैं सुबह से कि आप सिंधी कौन कौन सा लिबास लोग आ गए सुबह से? ठीक है, हमने काफ़ी मेल किया। अच्छा जी, कितने क्या क्या किस किस सूबे का आपने लगा? सिंधी बेस्ट कोट में पड़ी है, ठीक है, सादा बेस्ट कोट में पड़ी है, ठीक है, और दूसरे नंबर पुरानी बेस्ट कोट में मिल जाए। पश्तून जी, पश्तून खैबर पख्तूनख्वा का लिबास बिल्कुल मिल जाए। अच्छा अच्छा, इसकी जो फी जैकेट है इसकी कीमत आप लोग बता सकते हैं कि कितनी, आप कितने में प्रूफ कर रहे हैं? 500 में। 500 में, इससे ज्यादा या कम नहीं? जी जैसे मेरे कस्टमर हमारे पास आते हैं, इसका तो पता ही नहीं है तुम्हें। ये देख सकते हैं कि एक पाकिस्तानी 20 साल से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कल्चर डे कौन है। गलत है ये, एक बंदा फोल्ड ही नहीं कर सकता, उस पर वजन डाल देते हैं क्या कि ये, ठीक है ना, एक चीज़ है ही गलत, एक चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। स्पेशल बनवाएं, शायद इन्होंने ठेके मुके में उनके साथ ऐसे भी हो जाते हैं ना, ठेके हो जाते हैं ना भाई, हमारा सूट सलब बनवाएं आप, ऐसे ही है जैसे किताबों में हो रहा है। हाँ, ये किताब नहीं हो दूसरी मिलनी चाहिए, इससे सारा कारोबार हो रहा है हर चीज़ का। आप देख रहे हैं कि ये जो शख्स है, पहले हम लोगों ने बुजुर्गों से बात की, उनका कहना है कि हम लोग तो पहले नंबर पे कल्चर डे को जानते ही नहीं है। अगर इस तरह के सादे लोग जो है कल्चर डे को नहीं मानते या जानते नहीं है, क्या वो कल्चर डे बच्चों को किस तरह आगे प्रमोट करेंगे? माँ बाप को परेशान किया और दुकानदार के पास है भी नहीं, तो आप कहाँ से लाएं? सुबह से मेरा एक हफ्ता हो गया परेशान है, माँ बाप जी बिल्कुल। जैसा कि नाज़रीन हम आपको बता रहे थे कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कल्चर डे के हवाले से, अगर कल्चर डे को देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई नए से नए जो डे मनाए जाते हैं, ये सब फजूल है। हमें पाकिस्तान को ये चाहिए कि ऐसा कदम उठाए जिसमें पाकिस्तानी के अंदर फेयरनेस आए। बहुत शुक्रिया आरबटी तफसीला से आगाह करने का।